पुणे में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आशिक रसूल कमेटी और साहिबा ग्रुप कोंडवा की ओर से एक अनूठी पहल की गई। बता दें कि पुणे शहर के कोंडवा इलाका ओमकार गार्डन में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एक सामाजिक आशिक रसूल कमेटी और साहिबा ग्रुप द्वारा रिश्तों का जलसा मुफ्त में रखा गया, जहां लोगों की सेवा करते नजर आए। इस मौके पर आशिक रसूल कमेटी के अध्यक्ष और हमारे एफएससी के पत्रकार मुन्ना मुजावर भी इस रिश्तों के जलसा में लोगों को सेवा देते नजर आए। बता दें कि आशिक ए रसूल कमेटी के संस्थापक अब्दुल जब्बार शेख ने कहा कि इस जलसे के लिए खुद्दाम में मिलत फैसल रिश्ते वाले ने काफी मदद की और इस जलसे के मौके पर औरतों के लिए मीना बाजार भी रखा गया था। हम साहिबा ग्रुप का और उबेद शाह नूर शेख का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने हमें इस जलसे में काफी मदद की और लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक, जूस, चाय, पानी पूरी व जूस रख कर एक बेहतरीन काम किए हैं। इस मौके पर महिलाओं ने काफी संख्याओं में एकत्रित हुई, साथ ही लोगों ने कई फॉर्म भरकर अपना नाम रजिस्ट्रेशन किया और कमेटी का शुक्रिया अदा किया। इस जलसे के चीफ गेस्ट हाजी अरफात और आयुब शेख, सोहेल खान, मोहसिन शेख, यासिन शेख, हलीम शेख, हाफिज एहतेशाम और कारी इद्रिश, इन लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर हाजी अरफात साहब ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी पर विभिन्न ग्रुप गाने बजाने के साथ स्पीकर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन आशिक रसूल कमेटी ने स्पीकर की आवाज से दूर रिश्तों के जलसे का कार्यक्रम आयोजन कर लोगों के सामने एक बेहतरीन उदाहरण पेश की है और इसे आगे हजरत सलामती पीर कमेटी और आशिक रसूल कमेटी मिलकर काम करेगी। हाजी साहब ने दुआ भी की। जिस तरीके से पूना शहर में वो महाराष्ट्र के अंदर एक रिश्ते बच्चों बेटा बेटी को लगाने का जो उन्होंने कार्य शुरू किया है, मैं उसका एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ। पूरे महाराष्ट्र में जब भी आशिकी रसूल कमेटी को मेरी ज़रूरत होगी, बिल्कुल हाजी अराफ आशिक हर चीज़ से तन मन धन से पूरी सरकार की ताकत के साथ इनके साथ खड़े रहेगा। ये एक अहम काम है जो हमारे नबी ने सुन्नत अदा करने का काम है। ये नबी के तरीके है। जो गरीब बच्चियाँ होती है, रिश्ते खानदान छोटे होते हैं, कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो रिश्ते कहाँ लगाएं? आज आप शादी.com पर जाते हैं, शादी.com पर जाने के बाद कभी कभी ऐसे होता है कि रिश्तेदारी ऐसी गलत जगह हो जाती है और वो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता है, समझाने वाला नहीं रहता है, कोई पीछे पकड़। ये शादी भी कराएंगे, कल को छोटे मोटे कोई अगर उनके घर के अंदर बात विवाद भी होती है तो उनको समझाने का, काउंसलिंग करने का ये काम करेंगे। जब इन्होंने मेरे पास आके सब बात रखी कि इस तरीके से हम काम करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि बिल्कुल ऐसे काम में मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ दूंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। सलामती पीर दरगाह ट्रस्ट इनके साथ रहेगी। इसके आगे जो ये आज तो रिश्ते लग रहे, फिर कल को शादी लगाने की बात आएगी तो गरीब बच्चे की शादी कैसे होगी? तो शादी के लिए किस तरीके से यंत्रणा कड़ी करना है, हॉल कैसा होगा, खाना कैसा होगा, बच्चे को मदद कैसे होगी? हमने कहा कि इनको कोई दहेज और वो देने का नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं करने का, कोई तामझाम नहीं है, लेकिन वो जो पैसे जो बचते हैं उस बच्ची को सिलाई मशीन के जरिए देने का, उस लड़के को छोटा मोटा एक 25-50 हज़ार रुपये की मदद हम जब करेंगे तो 100% उससे कोई व्यवसाय करेगा, और जब व्यवसाय करेगा तो उसका घर चलेगा। तो ऐसी भी चीज़ है, जो गरीब तबके आएंगे उनको ये मदद करना है, जो लोग अच्छे घर से आएंगे तो उनको अच्छे रिश्ते मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जब अच्छा होगा तो एक खानदान को जोड़ने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं इस कार्य को सलाम करता हूँ, इसलिए ख़ासतौर पर आज इनके साथ में यहाँ मैं मौजूद हूँ और इनके साथ हर वक्त पे इनके हर कार्य में, अच्छे कार्य के अंदर ये हाजी अराफा शेख इनके साथ रहेगा। भाई अभी नवम्बर में आपका जन्मदिन है, हाँ, तो इस सिलसिले में एक आशिक रसूल रिश्ता रखना चाहता है, अजान कॉम्पिटिशन रखना चाहता है, तो आप उसको मदद करने वाले? नहीं, बिल्कुल, कैसा है, मेरे जन्मदिन के लिए मत करना, हमेशा करते रहना, पूरे साल भर आप ये कार्य करते रहना जिसके अंदर लोगों के फायदे होने चाहिए, जिसमें मैं उसके आगे एडिशनल करता हूँ। रिश्ते की अगर बात करें, रिश्ते के साथ साथ अगर हमने नौकरी भी दिया तो एक बड़ी अद्भुत चीज़ होगी। आज मैं वाहतूक संगठन का अध्यक्ष हूँ, पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर अच्छे अच्छे मेरे पास कई बड़ी बड़ी यूनियंस है, कई 5 स्टार्स की यूनियन है, एयरपोर्ट की यूनियन है, तो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे साथ साथ शादी के साथ दुल्हन भी ले जाएंगे और नौकरी भी ले जाएंगे, तो एक नया काम हो जाएगा कि यार ये
संस्था जो है आशिकी रसूल जो कमेटी है और ये जो टीम है वो इतनी अद्भुत तरीके से काम कर रहे हैं कि रिश्ता भी दे रही है, नौकरी भी दे रही है, उनके सुख दुख में भी खड़ी हो रही है। खाली रिश्ते लगाना ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उनके साथ उनका एक रहबर बनकर, उनका एक परिवार का हिस्सा बनकर खड़े रहना, यही बड़ी बात है। और यही सुनकर मैं आपके इनके साथ में पूरी कमेटी से जुड़ा हूँ। और जब तक आप कमेटी में काम करते रहेंगे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्लें भी इस कार्य खैर को चालू रखेगी और इससे इसका सवाब हर कदम पर, में इससे बड़ी नेकी कुछ हो नहीं सकती है। यही असली तबलीग है, यही असली लोगों को जुड़ाना, लोगों के साथ रहना। जब जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है, जो जो तुम दुआ मांगोगे वो दुआएं कबूल होगी, यही हमारा ईमान है, ये हक्कुल यकीन है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ पूरा रहूँगा। मेरा बर्थडे आप जोर से मनाओ, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उम्र मेरी कम हो रही है, ये भी आप सोच लो कि मैं आपके साथ ज़्यादा दिन रहना चाहिए, पर ऐसा करना चाहिए कि हमारे नबी का जन्मदिन, सरकार गरीब नवाज का जन्मदिन, जो उरूस का दिन, सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का उरूस का जन्मदिन, ऐसे दिन आप मुझे बताओ, वो सारे दिनों के अंदर अच्छे सेलिब्रिटी आपको जोड़ने का काम करूँगा कि लोग और ज़्यादा गुस्सा से आएंगे कि बड़े बड़े मंत्री आ रहे, सेलिब्रिटी आ रहे, बड़े बिजनेसमैन आ रहे, बड़ी कंपनी वाले आ रहे, तो उन लोग भी आपको बड़े पैमाने पे मदद करेंगे, जिससे CSR फंड्स के ज़रिए आपको मदद होगी और ये अच्छे तरीके से आप कार्यक्रम में कर पाएंगे, उसके अंदर आपको ताकत मिलेगी। मेरा एक सवाल है सर आपसे कि इसके बाद शादी के रिश्ते तो जुड़े हैं बराबर, मगर शादियाँ बड़े जैसा बड़े ऑर्गेनाइज़र करते हैं शादी, जैसा कोई खर्चा नहीं कुछ नहीं, तो आपका कुछ ऐसा प्लान है भविष्य में कि कुछ बड़ी शादियाँ फ्री में ऑर्गेनाइज? बिल्कुल, हमने यही कहा कि बड़े बड़े मेड़ा वे करके लाखों रुपए जो खर्च होते वो ना करें, एक ऐसी जगह इज्तिमाई तरीके से सुन्नत रसूल जिस तरीके से हम करते उस तरीके से उसी सुन्नत पे चलते हुए सादगी जैसा आज जिस तरीके से सादगी से प्रोग्राम हो रहा है, ये वो जो पैसे बचेंगे जो हम पूरे खाने पे अलग अलग टाइप के डिशेस बनाते खर्चा करते, मैं सभी लोगों से हिंदुस्तान के कहूँगा कि आप इस तरीके से करो, अगर जो एक बच्ची के ऊपर आप कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्च करते तो उस 1 करोड़ के अंदर मुझे लगता है कि 1000 बच्चों के रिश्ते हो सकते, 1000 बच्चों के खानदान बच सकते। यही हमारा तरीका है, हम जब दुनिया में आए तो उस तरीके से सादगी से जाना चाहिए, जब जाने के बाद तो कोई कुछ लेने जाएगा, लेकिन हमारी सादगी, हमारा अखलाक, हमारा काम, हमारा किरदार हमको आगे ले जाएगा। जब हम अल्लाह के पास जब जाएंगे तो हमको लगेगा कि हमने कुछ करके आया, किसी को कोई नुकसान पहुंचा के नहीं आया, गलत पैसे वेस्ट करके नहीं आया, यही होना चाहिए। वो कमेटी की जो बुनियाद उन्होंने रखी और ये सबसे बड़ी कमेटी का जो नाम इन्होंने रखा है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। उस नाम के बाबरकत से हमेशा इन लोगों को रहमतें मिलेगी, क्योंकि कमेटी का नाम ही आला और अफजल इन्होंने रखा, इसके वजह से ही ये आने वाले कल के अंदर आशिक रसूल कमेटी महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में, देश भर में हर कोई इस कमेटी को जानेगा। इस मौके पर आयुब शेख ने कहा कि आगे आशिक रसूल कमेटी को जो चाहिए वह हम मदद करेंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। सबसे पहले मैं आशिक रसूल कमेटी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ ऑर्गेनाइज किया, और जैसा हाजी अरफात भाई ने बताया इसी तरह आप अच्छे काम करते रहिए, आप लोगों के साथ में हम पूरी जान और माल के साथ में आपका काम हम साथ में करेंगे। और जो सामूहिक विवाह की बात की आपने, तो पूना शहर में 2-3 ऑर्गेनाइजेशन हम हवाई मास के जरिए 25 साल से करते हैं। पहले 25-30 हर शादियों में लोग आते थे, अभी 10-11 हो गए, तो उसके ऊपर भी वर्किंग करो। पूरे पैसे हमारे पास हवाई मास की तरफ से देंगे। आज हम कैंपस में ये प्रोग्राम होता है और उनकी तारीख भी फिक्स है, दिसंबर की और मई की, तो आप ये उनके साथ में ज्वाइन करके आप कीजिए अच्छे से ये शादियों का भी प्रोग्राम, आपके साथ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन और हवाई मास ऐसा टाइप करके देंगे तो मुझे लगता है कि इसके साथ में ये दोनों काम अच्छे से होंगे। मैं आप लोगों को दावत देता हूँ कि आप आइए, हमने वो ऑर्गेनाइजेशन 40 साल पुरानी है, आप लोग सब वाकिफ़ है उससे,
तो आप अच्छे काम के लिए आप यू आर ऑलवेज वेलकम। उसका फाइनेंशियल जो भी खर्च होगा वो आवाज़ मास करेंगे, आपकी कमेटी और दोनों टाई अप करके ये रिश्ते के अलावा शादियों का भी आप प्रोग्राम एक करो, और बर्थडे के भाई का बात है तो वो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, भाई का बर्थडे जोर में पुणे में, हाँ पुणे में बढ़िया करेंगे इंशाल्लाह, और साथ में सब मिलके करेंगे, सब मिलके इररिस्पेक्टिव पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी करेंगे मसला नहीं है। मैं फिर एक मरतबा आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए आखिर में आज की जो ज़रूरत है इस दौर में, आज के जो देश के हालात है उस पर चंद आशार आप लोगों के सामने गोशे गुजार करते हुए आप लोगों की रजा लेता हूँ कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं कि मैंने माना बहुत रात है अंधेरा है घुटन भी ऐसी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, चराग दिल के जलाओ तो कोई बात बने, पराए घर को जलाना कोई कमाल नहीं, अब हमें करोड़ों के दिलों को जोड़ना होगा, तासुब को छोड़ना होगा, मकाम इंसानियत ऊँचा है बहुत पहचानना होगा, सदाए कौमी यकजहती हमारी अज़्म की एक अजीम आवाज़ है, आओ के कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, आओ के कोई आहद करे कल के वास्ते, आओ बन जाए हम मिसले महमूद आयास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, एकता के खोल दे सारे दरवाजे, हम कन्हैया के बंसी के ही छेद है, अपने सुर में तो कुरान और वेद है, आओ के कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, आओ के कोई आहद करे कल के वास्ते, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी एम वतन है हिंदोस्ता हमारा, और ऐ मौज जमना याद है तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवा हमारा तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। इस मौके पर शादिक भाई शेख ने हाजी अरफात की गुलपोशी की। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं उबैद शाह साहिबा ग्रुप से, मैं पूरे ग्रुप के तरफ से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, जो आशिक रसूल फाउंडेशन को इतना बेहतरीन काम मैंने नहीं देखा अभी तक, बेहतरीन काम, इतना ताकत लगा रहे, पैसा लगा रहे, टाइम लगा रहे, हमारी बच्चियों के लिए, कौम की बच्चियों के लिए, इससे अच्छा बेहतरीन काम कोई नहीं कर सकता। मैं साहिबा ग्रुप पूरी ताकत लगाऊंगा इंशाल्लाह, आप जब जब बुलाएंगे साहिबा ग्रुप आपके साथ खड़ा रहेगा, कहीं पर भी रहो, कहीं पर भी रहो। जो बच्ची हमारी बैठी है, गरीब है, गरीब तबका बहुत है अपने पास, इतना है कि हमारा ध्यान नहीं जाएगा भाईजान, और मैं वादा करता हूँ कि हम आपके घर तक आएंगे इंशाल्लाह ताला, और सब तरफ से आएंगे, आपके निके से लेकर हर तरफ से साहिबा ग्रुप आपके साथ खड़ा होगा, ये मैं वादा करता हूँ आपको। मुन्ना भाई, साहिबा ग्रुप क्या क्या एक्टिविटी करता है? हर चीज़ करते हैं, अनाज बांटना सब, आप मेरा पूरा गूगल देख लो, आप 5 साल में हमारे काम देख लो, हर वो काम आपने किया है जो किसी ने नहीं किया है कोंडवा में, और हम चाहते हैं कि लोग जुड़े आपके साथ, और सामने से चल किया है, ये अपनी कौम का काम है, बच्चियों का काम है, कई बच्चियाँ बैठी है आँख में आंसू आते हैं, ऐसी ऐसी बच्चियाँ बैठी है, ये आना चाहिए, ये आपके साथ में आना चाहिए। मुन्ना भाई, मैं अगेन आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ, और मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाता हूँ, ये मेरा वादा रहा हमेशा का, साहिबा ग्रुप का आपके साथ इंशाल्लाह ताला। इस मौके पर पुणे जिले और पिंपरी चिंचवाड़ के लोगों ने उपस्थित होकर इस रिश्तों के जलसे का लाभ उठाया, जहाँ महादेव बाबार इम्तियाज मोमिन बीजेपी पुणे शहर अल्पसंख्यक अध्यक्ष समीर शेख पत्रकार आज तक, अनिश शेख पत्रकार, हाजी दस्तगीर मनियार, हाजी नाजिम शेख, लतीफ़ सैयद, सफीक शेख, मुबीन खान, शाहिर शेख, यूसुफ खान, जाकिर भाई, एयू फाइनेंस, मोइस मोमिन, यायूब पठान, यायूब शेख, फिरोज शेख, राशिद पठान, जायका खानम, सत्तर सैयद, इन मान्यवरों ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आशिक रसूल कमेटी के उपाध्यक्ष सफीक पटेल और फैसल रिश्ते वाले ने सभी मेहमानों को तहे दिल से धन्यवाद किया। इतना ही, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।